भैया काशी का कंकर कंकर शंकर है। और यही महादेव ऐसे हैं जिनके लिए कोई शर्त नहीं है उनसे संबंध रखने में, इसीलिए हर काशीवासी उनसे डायरेक्ट संबंध रखता है। यह हमारी जन्मभूमि है। और मैं बार बार एक वाक्य दोहराता हूँ कि थाली में परोसा हुआ भोजन थाली स्वयं नहीं खाती, वो मात्र पात्र होती है, फिर जो अधिकारी होता है उसे परोसा जाता है। तो बाबा को भोग लगाया और जो प्रसाद है वो वितरित, और कर्म भूमि गोरखपुर रही हमारी जन्मभूमि भाई, इसीलिए महादेव जी भोलेनाथ और गोरखनाथ ये जो दोनों को जाता है। और जहां तक इस अवार्ड का प्रश्न है, मेरा अपना मानना है कि आप बड़े महान हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, आपको मिला है, ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि मुझे राष्ट्र ने एक फ्रेंचाइजी सौंपी है कि मैं जिन जहां गुणी लोगों को देखूं, महत्वपूर्ण रचनाकारों को देखूं, साहित्यकारों को देखूं, मैं उनका सम्मान करूं। मुझे यह सम्मान उन लोगों को वितरित करने का अधिकार मिला है जिसने वो सोचे कि किसी पद्मश्री ने मुझे सम्मानित किया है। ये मेरा सम्मान नहीं है, यह हर रचना धर्मी का सम्मान है जो बाबा की कृपा से मिला है। कि काशी का हर एक व्यक्ति कुछ भी पाता है तो वह बाबा को अर्पित करता है, वैसे ही अपने पद्मश्री भी आचार्य जी ने बाबा विश्वनाथ को अर्पित कर दिया। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ईटीवी।